This story is brought to you by tapeatale.com. मैं और वो साल के सबसे उस खूबसूरत वक्त पे मिले थे जहां लोग बीते हुए साल को अलविदा कह रहे थे और आने वाले साल का जश्न मना रहे थे। न्यू ईयर्स की शाम थी, पार्टी में वैसे भीड़ तो बहुत थी पर हमारी नजरें बस एक दूसरे को तलाश रही थी। हम दोनों एक दूसरे को कुछ सालों से जानते तो थे पर उस पार्टी के बाद और पहचानने लगे। फेस टाइम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, हम हर एक ऐप पे बात करते थे रोज। वैसे हम दोनों को ड्राइव पे जाना बड़ा पसंद था पर हम लॉन्ग ड्राइव्स पर नहीं जा पाते थे क्योंकि उसे ड्राइव करने बड़ा कंटाला आता था और मैं डैशिंग कार्स में माहिर हूँ। ये यूनिवर्सल लॉ है कि जो ड्राइविंग सीट के बाजू वाली सीट होती है, जो बंदा वहाँ बैठता है प्लेलिस्ट पर, तो उसी का हक होता है। पर नहीं, हम येड़ा अन्ना की सिस्टम वाइज जाते थे, थोड़ा तुम थोड़ा मैं। हम ना बस बहाने ढूंढते रहते थे एक दूसरे को मिलने के लिए। इसीलिए उस शाम हमने डिसाइड किया कि हम पानीपुरी रेस लगाएंगे। उसने भी बड़े चौड़ में आकर हाँ तो बोल दिया पर ऑफकोर्स जीतना तो मुझे ही था। चेहरा मस्त लाल हो गया था और आंखों में पानी भी आ गया था। अब ये उसे हराने की खुशी थी या फिर तीखे पानी का कमाल, ये मुझे पता नहीं। पर उसने हारने के बाद मुझे ये कहा, सुनो मुझे पानीपुरी पसंद नहीं है इसीलिए मैं हार गया, शौरमा में हरा के बताए ना तो मानू। हम अक्सर ये शौरमा पानीपुरी रेसेस लगाते रहते थे। फिर एक वक्त आया जब वो पानीपुरी रेस में जीतने लगा और मैं शौरमा रेसेस में। उसे जीने के लिए ना पानी नहीं चाहिए, मिठाई चाहिए। इसीलिए मैं उसे हमेशा सुनाती, तू कितना भी मीठा खा ले जुबान तो तेरी कड़वी ही रहनी है। हर दिन हमारा इन छोटी मोटी नोकझोंक में ही जाता पर एक भी दिन ना बिना बात किए नहीं जाता। हम उस बिजली की तार की तरह थे जिसका कनेक्शन बड़ा सही से फिट हो गया था। हाँ, मुझे पता था कि मैं उसे प्यार करने लगी हूँ पर कहीं ना कहीं मुझे ये भी पता था कि वो ऑलरेडी किसी और के साथ पिछले 5.5 सालों से है। आप क्या करते हैं जब आप किसी ऐसे इंसान को पसंद करने लगे जो ऑलरेडी किसी और का हो? उम्मीद करते हैं कि शायद एक दिन आप दोनों साथ में होंगे या फिर एक नामुमकिन सपना समझकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक तरफ दिल ये कह रहा था कि राहुल ने भी तो अंजलि को आखिर में पा ही लिया ना, और दूसरी तरफ दिल ये कह रहा था कि मोहब्बत का दूसरा नाम तो रिहाई है, तो फिर उसे पाने की कोशिश क्यों? हम दोनों एक ही पन्ने पर थे, बस हमारी किताबें ही अलग थी। उसकी किताब का नाम दोस्ती था और मेरी किताब का नाम प्यार। मैंने प्यार की किताब का वो आखिरी पन्ना पलटकर किताब बंद कर दी, साथ ही साथ दोस्ती की भी किताब बंद कर दी। नहीं रह पाई उसकी दोस्त, नहीं हो पाया मुझसे। जब आप किसी को प्यार करते हैं और वो छूट जाए ना तो दुख होता है, पर जब प्यार और यार दोनों छूट जाए ना तो इंसान टूट जाता है। क्योंकि फिर रात को 2 बजे आप फ़ोन करके किसे कहोगे, यार मुझे उसकी याद आ रही है, एक मैसेज कर दूँ? कई बार ये सोचती कि काश मैं खुद को रोक लेती, संभल जाती, नहीं करती उससे प्यार, क्योंकि मुझे तो पता था ना कि ये रास्ता वन वे है। लेकिन फिर ये सोचती हूँ कि अगर वो सब नहीं हुआ होता तो शायद उसके साथ इतने अच्छे लम्हे मुझे कभी नहीं मिलते। कई बार ना कुछ लोग हमारी जिंदगियों से ज़्यादा हमारी दुआओं में ही ठीक है। थैंक यू।